नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। जीवन में हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या वयस्क हो या बूढ़ा, सपने देखता है। सपने हमारे जीवन का हिस्सा हैं। कुछ सपने बुरे होते हैं तो कुछ सपने अच्छे होते हैं। शास्त्रों में सपनों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत माना जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले। कुछ लोगों को शादी के बंधन में बंधने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है तो कुछ लोग जल्द ही इस रिश्ते में बंध जाते हैं। सोपन शास्त्र के अनुसार कुछ सपने ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को जल्द शादी होने के संकेत देते हैं। आइए जानते हैं सपने में किसका क्या दिखना जल्द विवाह होने के संकेत देता है। सोपन शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने आप को मेले में घूमता हुआ देखता है तो यह जल्द शादी होने का संकेत होता है। इसका मतलब है कि उस लड़का या लड़की का योग्य वर या वधु मिलने वाला है। सोपन शास्त्र के अनुसार अगर कोई लड़की सपने में ज्वेलरी, अपने आप को ज्वेलरी पहने देखती है तो इसका मतलब होता है कि उसके साथ जल्द शादी के रिश्ते आने वाले हैं उसके लिए। वहीं अगर कोई लड़की सपने में खुद को शहद खाते हुए देखती है तो इसका मतलब है कि उसकी जल्द ही शादी के योग बन रहे हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में खुद को खुश होकर नाचते हुए देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपकी जल्द शादी होने वाली है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सपने में मोर पंख या बांसुरी को देखता है तो यह भी शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपके घर जल्द ही एक रिश्ता आने वाला है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सपने में आपको ज्वेलरी गिफ्ट कर रहा है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इसका मतलब होता है कि आपको जल्द एक बड़े घर से रिश्ता आने वाला है और आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।